हैं, अब बताइए कौन मां है? गौरा है वो, अपने मां का छाती का दूध छोड़ता है, उस मां का छाती का दूध पीना शुरू करता है। और आजकल के फैशन में, डिजिटल इंडिया के जमाना में, लोग बना लेते हैं महल, महल गाड़ी का पार्किंग लगा लेते हैं, लेकिन एक गाय पालने का एक जगह नहीं छोड़ते हैं। और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा गौ रक्षक हूं। ये कैसा गौ रक्षक है? दस गाड़ी लगाने के लिए आपके पास पार्किंग है, बड़ा सा बड़ा महल बनाने के लिए आपके पास जमीन है, लेकिन एक गाय पालने के लिए आपके पास जगह नहीं है। ये कैसे चलेगा मेरा देश? कब तक झूठ का डंका पीट के हम लोग गौ माता का सेवा नहीं करेंगे? पहले आप गौ को पालिए, उसका गोबर उठाइए, उसका सेवा कीजिए, खिलाइए, तब पता चलता है कि क्या सेवा होता है, तब पता चलेगा। लेकिन सबसे विडंबना की बात यह है कि गौ पालने वाले लोग ही खुद पूरे जवानी तक गाय को धोते हैं, जब बुरी हो जाती है तो कसाई के हाथ में धरा देते हैं। भाई मैं पूछना चाहता हूं, एक होगा जो आपको पैदा की और कम से कम 6 महीना 1 वर्ष तक आपको दूध पिलाई, किसी का एटीएम गिर गया है मेरे भाई का, कर लीजिए नाम होगा उसको, उसको नाम है, नाम देख के आपको बता दें एटीएम किसी भाई, मनीष कुमार जी का एटीएम गिर गया है, प्लीज मनीष जी आप अपना एटीएम आके ले लीजिए। और ये बात आती है गौ माता पे, मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे गाय पालने वाले, मेरे गाय रक्षक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी बात भी हो जाती है तो उसको भी आप कसाई के हाथ धरा देते हैं? नहीं धराते हैं ना? पास से आप लोग वादा कीजिए हाथ उठा के कि गाय बूढ़ी होगी तो मेरे दरवाजे पर भी मरेगी, उसका क्रियाकरण करूंगा। सर लोग हाथ उठा के बताइए तो पता चलेगा कि आप लोग गाय रक्षक सही है, ये वादा रहा ना? नहीं तो भाई सही में गली गली दूध और दही बिकना बंद हो गया, दारुओं का प्रचलन चल गया है, क्यों? इसीलिए। और बोलते हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा घर बिगड़ गया, ये आपकी दोष है, ये मेरी दोष है, हम लोग खुद समाज में गंदगी फैलाए हैं, तो मेरी आने वाली पीढ़िया उस गंदगी को सूंघेगी और गंदा ही बनेगा ना? लेकिन लोग जब सभी गलत से थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और अपने लिए नहीं, एक भक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता है, बाबा से कहता है ए बाबा, बाबा रामनगरी में बाबा, हिंदुस्तान में, भारत देश में बाबा, एक कसाई गाय को पकड़ के ले जा रहा था, उसके साथ 4 व्यक्ति थे, मैं कोशिश किया छुड़ा लू लेकिन मुझे मार के ले गिरा दिया। बाबा मैं आपसे यही विनती करने आया हूं कि मुझे कुछ मत बुझिए, लेकिन उस गौ का जान बचा लीजिए बाबा, प्लीज बाबा हेल्प। और उस भक्त बाबा से कहा कैसे कि बाबा बाबा तू मारे गैया, बाबा मेरा जान है प्रभु, बात लिख ली और इस गाय को बचाइए प्रभु। बाबा बाबा तू मारे गैया, बाबा ना बोले मेरे जाता बाली के कसाईया,
के लिए क्षमा चाहता हूं, होता है ओके। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके